हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से किसी पीडीएफ को मोबाइल की मदद से एडिट कर सकते हैं। देखिए, आज जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही इजी भी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में आपको एक नाम टाइप करना है, WPS ऑफिस। ठीक है, WPS। देखिए, जैसे आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है जिसमें हमारा एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, वो सब होता है, है ना। तो इसी तरह से मोबाइल के लिए एक WPS ऑफिस होता है जिसमें एक्सेल, वर्ड, ये सब चीज़ें होती है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि किसी पीडीएफ को मैं वर्ड में कन्वर्ट करूँगा और वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद उसको एडिट करेंगे WPS ऑफिस की मदद से। तो सबसे पहले इसलिए मैंने WPS ऑफिस यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं WPS मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अभी देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, PPT, XLS, ये सभी फाइल आप इसमें ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट WPS ऑफिस को यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक, चलिए, अब देखिए, हमने ये तो इंस्टॉल कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी PDF हमें एडिट करनी है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में एक रिज्यूम के नाम से फोल्डर है, एक रिज्यूम मैंने उसमें रखा हुआ है और उस रिज्यूम को हम एडिट करने वाले हैं। ये देखिए, मेरे पास में एक ये रिज्यूम है और इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने से पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एमएस वर्ड में, और एमएस वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद उसको एडिट करेंगे WPS ऑफिस की मदद से। तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है डॉक्यूमेंट फाइल में, मतलब वर्ड फाइल में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लूँगा और गूगल क्रोम में आपको यहाँ पे लिखना है आई लव PDF। ठीक है, या फिर आप एक काम करिए, आप यहाँ पे गूगल लिखिए ओनली। ठीक है, गूगल लिखने के बाद गूगल में आपको सर्च करना है, यहाँ पे आप लिखिए PDF टू वर्ड। ठीक है, बाई आई लव PDF, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, और इस वेबसाइट की मदद से आप किसी भी PDF को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला लिंक ये आ गया, कन्वर्ट PDF टू वर्ड ऑनलाइन, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट PDF फाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे उस फाइल को चूज़ करना है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। इसी तरह से आपकी जो भी फाइल है आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कन्वर्ट टू वर्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे जैसे कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको डाउनलोड वर्ड का एक बटन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है या फिर कुछ टाइम रुकना है, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, डाउनलोड हो गई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि आपको जो ये फाइल अभी डाउनलोड हुई है वर्ड में कन्वर्ट होकर के, आपको इसको किसके थ्रू ओपन करना है। तो देखिए, मेरे पास में ये एक वर्ड का एप्लीकेशन पहले से पड़ा हुआ है, आप इससे भी कर सकते हैं या फिर WPS से भी आप कर सकते हैं। तो हमने अभी WPS इसीलिए इंस्टॉल किया है ताकि हम वर्ड की फाइल जो हम कन्वर्ट करेंगे PDF को वर्ड में, उस वर्ड वाली फाइल को हम एडिट कर सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर WPS ऑफिस को ही चूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं आपकी जो फाइल है वो एडिटेबल हो चुकी है। आप यहाँ पे जो भी एडिट करना चाहें, जो भी चेंजिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। ये आप जानते हैं कि आप PDF की फाइल में कभी भी कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको PDF की फाइल को डॉक्यूमेंट में आपको चेंज करनी होगी। डॉक्यूमेंट में कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको अभी दिखा दिया है करके। आई लव PDF के नाम से जो वेबसाइट है, आपको वहाँ जाना है और वहाँ से PDF सिलेक्ट करके उसको वर्ड में कन्वर्ट कर लेना है। वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ ये डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड करने के बाद आप इसको जैसे चाहें इसको एडिट कर सकते हैं। WPS हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा था तो हमने उसमें ही इसको ओपन किया हुआ है। अब आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो भी चेंजिंग करना देखिए कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर देखिए इसको डिलीट कर रहा हूँ तो ये डिलीट हो रहा है। आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आप जहाँ पर चाहें जो भी लिखना चाहें, जो भी एडिट करना चाहें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। दूसरी बात, जो आई लव PDF वेबसाइट है वह एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, एक अच्छे खासे फॉर्मेट में, मतलब फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट आप देते हैं PDF में, सेम उसी फॉर्मेट में आपको वर्ड में कन्वर्ट करके देती है। बाकी जो और अदर वेबसाइट है वहाँ पर फॉर्मेट में चेंजिंग आ जाती है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इसी वेबसाइट के थ्रू अपनी PDF को वर्ड में कन्वर्ट करें और उसके बाद आप WPS को इंस्टॉल कर लें और उसके थ्रू उसको एडिट करें। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में जो मेथड मैंने आपको बताया है ये आपको 101% पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। यदि आप ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमारा ऐसा इन्फॉर्मेशनल वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो।